तो जितने भी यहाँ पर प्लांट्स हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, फ्री कॉस्ट, कोई किसी को पैसे नहीं लिया जाता, कुछ नहीं लिया जाता, एक फार्म देंगे, निशुल्क है, कोई चार्ज नहीं किसी का भी। मुगली रोटी 555 जो बनती है उसमें डलता है, ये मलता चलता है। हाँ जी। अरे वाह, लोकेशन एक बार चेकआउट करो, कितनी प्यारी लोकेशन है ना गाइस, मतलब एक साथ 3 नर्सरी आपको देखने को मिल जाएगी। माना पीपल टू पीपल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्लांट्स है ये सारे उसी के लिए लिए गए हैं। तो मतलब आप सेटिस्फाइड है कि जितने भी आपको प्लांट्स चाहिए आपको इजीली मिल गए? हाँ बिल्कुल, हमें 100 की रिक्वायरमेंट थी और हमने 100 कंप्लीट कर लिया। आपको इशू नहीं होगा? कोई नहीं, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पे। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है इनकी, एक ऑर्गेनाइजेशन का लेटर है जिसपे ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंप और सिग्नेचर, और एक छोटा सा फॉर्म है वन विभाग का, उसको फुलफिल करने के बाद आप प्लांट ले सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग आए हैं आनंद विहार की नर्सरी कवर करने, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सरी है। तो आप भी यहां पर इजीली पहुंच सकते हैं, काफ़ी बड़ी नर्सरी है, 3 पार्ट्स में गाइस बनी हुई है। और क्या लोकेशन वगैरह रहेगी, कौन कौन से यहां पर प्लांट्स रहते हैं, बात करेंगे कौन कौन सी वैरायटी, टाइमिंग्स वगैरह आपके लिए सब कुछ मैं पता करूँगा। तो गाइस, जो ये रोड आप देख रहे हो, जो बस स्टैंड है आनंद विहार का, उसके पीछे है ये, बिल्कुल अपोजिट में ये देख सकते हो गाइस, ये जा रहा है रोड, इधर पीछे आप देख सकते हैं रोड जा रहा है। और ये बोर्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा लगा हुआ, ये आपको बोर्ड दिख जाएगा, दिल्ली सरकार आनंद विहार नर्सरी, और आप यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट प्राप्त कर सकते हो। तो गाइस, ये है केंद्रीय वन विभाग और बहुत बड़ी नर्सरी है गाइस, मैंने बताया आपको। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो और दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है, कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पे रहते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम बता दो मुझे। मेरा नाम लोकेश जी। लोकेश जी, लोकेश जी हमारे साथ हैं गाइस। और कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन से प्लांट्स वगैरह हैं, सब चीज़ें बताएंगे उनके, मतलब जो जो अगर बेनिफिट्स वगैरह मालूम होंगे तो वो भी हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। ये क्या है? ये चंपा। ये चंपा है, यहाँ पर चंपा भी, चंपा की भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। इस पर वाइट कलर का फूल आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाइट कलर का फूल है। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस अवेलेबल हैं, काफ़ी लोग आप यहाँ पे इजीली आके ले जा सकते हैं, मतलब लेके जा रहे हैं, आप भी अगर जाएँ तो आप आके इजीली ले जा सकते हैं। इसका नाम क्या है? ये सिर्फ पाम बोलते हैं? हाँ पाम बोलते हैं, देसी पाम। अच्छा, ये वही पाम है जो बड़ा सा हो जाता है? हाँ जी, है ना, था बिल्कुल, है ना। तो गाइस, ये वही वाला पाम है जो बड़ा हो जाता है, आपने किसी घर के आगे देखे होंगे बड़े बड़े, तो इनिशियली ये इस स्टेज में होते हैं, तो यहाँ पर कट्टे में अवेलेबल है गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यहाँ पे आके प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, एज यूजुअल एलोवेरा को आपको पता है कितना बेनिफिट होता है, इसके आयुर्वेदिक काफ़ी यूज़ हैं, चाहे तो इसकी जो जेल होती है गाइस फेस पे भी लगा सकते हो, हेयर्स पे भी लगा सकते हो, तो मतलब एक तरह से मेडिसिन प्लांट है, तो वो भी आप यहाँ पे आके प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, ये एक है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी एलोवेरा की वैरायटी अवेलेबल है। और ये गाइस वही सेम पाम है जो भी आपको मैंने पीछे दिखाया, तो यहाँ पर इस तरह से मतलब प्रॉपर साथ साथ लगा रखा है, तो यहाँ से आप इजीली आके ले जा सकते हो। और गाइज, ये है आपका मोलसरी का प्लांट, मोलसरी का पौधा, इसके भी गाइज काफ़ी मेडिकल बेनिफिट्स आप देख सकते हो साइड में आ रहे हैं, तो मतलब इस पर्पज़ से भी यहाँ पे लोग ले जा सकते हैं। गाइज, ये काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, मतलब एक तरह से आपको छाया तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी है इसके, तो काफ़ी अच्छा रहता है गाइज ये पौधा, आप चाहें तो यहाँ पर ईजिली आके ले जा सकते हैं। पेलीलैंथर। तो गाइज, ये है पेलीलैंथर, और इसका मतलब कुछ बताओगे क्या यूज़ रहता है, कैसा है? शोधार रहता है, मतलब शोधार पौधा रहता है। हाँ जी। अच्छा, ये काफ़ी शोधार, मतलब कितना बड़ा हो जाता है ये? ये ऐसे ही रहता है, बस मतलब इतना ही रहता है। हाँ जी, ठीक ठीक है। फली आती है ये, वैसे मुगली घुट्टी के काम भी आता है ये। अच्छा, जो अमलदास है वो एज ए मुगली घुट्टी भी काम आता है? हाँ जी, मुगली घुट्टी 555 जो बनती है उसमें डलता है ये, अमलदास डलता है। हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। तो गाइस देख सकते हो, ये अमलदास है, काफ़ी वैरायटी है गाइस यहाँ पर अवेलेबल है। तो वैसे देखो, तो पिलखन की कितनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर, मतलब कितने ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर अवेलेबल है, ये देख सकते हो आप गाइस यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा साइज है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है अभी। हाँ, मतलब कोई आएगा तो उसको मिल जाएगा इसी। हाँ, ठीक है ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पहले ये बताओ? ये सैमल का पेड़ है, मतलब सैमल का पेड़। हाँ, इसको शिवा भी बोलते हैं। हाँ, इसमें दो वैरायटी रहती है, शिवा भी रहती है और एक सैमल का भी रहता है। सैमल का भी रहता है। हाँ, ये सैमल, ये सैमल ही है। हाँ ठीक है। तो मतलब इसका क्या यूज़ रहता है, कितना बड़ा पेड़ हो जाता है ये? ये काफ़ी बड़ा दरकत हो जाता है। दरकत हो जाता है, अगर आप चाहें तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लायक है और काफ़ी अच्छा खासा साइज है। आप लोगों ने मेरे से कमेंट्स में पूछा था कि मेरे को मतलब 4 फुट 3 फुट वाले पौधे चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे, 4 फुट 5 फुट वाले। इसके अंदर आप देख सकते हो गुलमोहर भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ से आके गुलमोहर भी ले जा सकते हैं, ये अवेलेबल है गाइस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप यहाँ पर आके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाइट जो पत्ती दिख रही है, हरी हो जाएगी ये? हाँ जी, ये हरी हो जाएगी। अच्छा, हरी हो जाएगी, ठीक है।
तो गाइस ये पापड़ी का पौधा है, आप देख सकते हो काफ़ी, इसका भी काफ़ी मेडिकल बेनिफिट्स रहते हैं और काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है गाइस ये भी। आपके घर में कोई गार्डन वगैरह है या फिर कोई लॉन है वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। ये इसी का पेड़ है ये इसी। तो गाइस ये देख सकते हो इतना बड़ा पेड़ होगा ये देख सकते हो, इसके साथ में लगा हुआ है, बिल्कुल दरख्त है गाइस, दरख्त बोलते हैं जिसको। तो वो यहाँ पर गाइस अवेलेबल है, आप चाहें तो आके ईजीली ले जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस कनेर के भी मतलब वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को, आप देखते हो काफ़ी प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल है। गाइस जो भी जितने भी प्लांट्स यहाँ पर रहते हैं वो कट्टे में रहते हैं, कट्टे जो प्लास्टिक की थैली वगैरह होती है ब्लैक कलर की उसमें मिल जाएंगे, छोटे मोटे कट्टे में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो इस तरह से ये लगे रहते हैं, तो लोग आते हैं और पिक करते हैं। मरोड़ फली, तो गाइस ये है मरोड़ फली, तो ये पौधा भी आप चाहें तो यहाँ से ले जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा पौधा रहता है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है हमें बड़े थोड़े पौधे चाहिए, तो गाइस इस तरह के आपको बड़े 3-4 फुट के पौधे भी, मतलब 5 फुट के भी पौधे आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे अगर आप आनंद विहार वाली नर्सरी में आ रहे हो। स्पेसिफिक मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी मतलब प्लांट्स वगैरह में, बाकी दूसरी नर्सरीज में भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। अगर आपको थोड़े से हाइटेड पौधे चाहिए, थोड़े से बड़े पौधे चाहिए, तो भी आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे, छोटे पौधे तो हैं यहाँ पर। इसमें वो गुलाबी कलर का फूल आता है बोगनविले पे, लाल, ये कई तरह का आता है, सफ़ेद भी आता है, सफ़ेद भी आता है इसमें, लाल की है ये। ठीक है, तो कहिए ये बोगनविलिया है, इस पर लाल कलर का फूल आता है, मतलब अलग अलग तरह के मतलब वैरायटी होती है बोगनविलिया के अंदर भी। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी मतलब प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह गुलाबी कलर का मतलब लाल कलर का फूल यहाँ पर आता है इसमें, तो आप यहाँ से ईजिली आके ले जा सकते हैं। तो कहिए ये है पौधा जो बोलते हैं जंगल जलेबी, आपने पार्क वगैरह में देखा होगा और पेड़ वगैरह मतलब इसके रोड के किनारे आपने देखे होंगे, तो वो इस पर्पज़ से आप ले जा सकते हैं। अगर आप गाइस किसी की याद वगैरह में भी लगाना चाहें तो एक आधा पौधा यहाँ से ले जा सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से भी आपको पौधे ले जाने ले जा सकते हैं और इजीली कहीं भी इसको इजीली प्लांट कर सकते हैं और उसको उसकी केयर कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर अवेलेबल है गाइस। तो गाइस मैं कितनी सारी नर्सरीज विजिट कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, तो मेरे को अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही है हर एक गवर्नमेंट नर्सरी में। तो आपको नर्सरी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सीरस का पौधा यहाँ पे अवेलेबल है, इस तरह से कट्टे में अवेलेबल है गाइस, अच्छा खासा 3-4 फुट का है ये, तो आप यहाँ पे आइए इजीली ले जा सकते हैं। तो गाइस ये है भेड़ा, भेड़ा भी बोलते हैं, भेड़ा बोलते हैं इसको। तो गाइस ये वाला प्लांट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इजीली मिल जाएगा, काफ़ी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। ये जामुन आप देख सकते हो, ये वो बड़े वाला जामुन है, अच्छे वाला, मोटे वाला, मोटे वाला। तो गाइस ये वो है जिसके अंदर मोटा फ्रूट आता है, मतलब बड़ा फ्रूट आता है जामुन का, वो वाला पौधा है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो काफ़ी वैरायटी मतलब काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप आके यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। थोड़ा बड़ा पौधा भी मिल जाएगा आपको, छोटा पौधा भी इजीली मिल जाएगा, तो आप यहाँ से आके प्राप्त कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस अवेलेबल है। तो गाइस ये लाल ग्रास है, लाल बासा बोल देते हैं, लाल घास भी बोल देते हैं, लाल बासा, हाँ लाल बासा, बादशाह तो नहीं ना, बासा, हाँ जी लाल बासा है ना। तो गाइस ये लाल बासा है, ये शो पीस का रहता है, मतलब इसको आप इंडोर प्लांट्स के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो गमले में लगा। ठीक है, तो गाइस ये है पत्थरचट, जैसे पथरी वगैरह का जिसको प्रॉब्लम रहता है तो उसके यूज़ में गाइस ये काफ़ी रहता है, आप देख सकते हो प्रॉपर इसका यूज़ किस तरह से आप कर सकते हो चाहो तो ये यार सारे यूजेज हैं इसके। तो पत्थरचट भी गाइस यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो लोकेश। तो गाइस हमारे साथ लोकेश जी थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से प्लांट्स वगैरह वैरायटी वगैरह दिखाई। एक बार यहाँ की टाइमिंग वगैरह बता दो। ये सेकंड सैटरडे को बंद रहती है, ठीक है, और संडे को, और संडे को, हाँ। सेकंड सैटरडे, बाकी दूसरे शनिवार खुली रहती है, खुली रहती है, रोज खुली रहती है, वही सेम टाइमिंग रहती है, मतलब 10 से 4 या फिर, और 10 से 4 का टाइम है, हाँ जी, पेड़ों का जो है टाइम 10 से 4, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला टाइम है वो 10 से 4 है, हाँ जी। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया पार्ट 2 इसका, आपको अभी पार्ट 1 भी दिखाऊंगा, आप चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी वहाँ पर वैरायटी है। तो बस ये है गाइस पार्ट 1, जो कि पहले जो मैंने आपको पहले दिखाया वो था पार्ट 2। आइडिया भी है, आइडिया भी, तो क्या बोल रहा, ये है पार्ट 1, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ये, लेकिन गाइस यहाँ पर जो अलग वैरायटी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस हमारे साथ सेवाराम है जो यहाँ पर हमें प्लांट्स वगैरह बताएंगे जो हमने वहाँ पर वैरायटी देखी थी, उसके अलावा क्या अलग वैरायटी यहाँ अवेलेबल है वो सब हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे, तो चले चलते हैं। तो गाइस देखते हैं, ये कोचिया है, ये हरा भरा रहता है, मतलब ये ज़मीन में ही लगेगा, आप गमले में लगाओगे तो मुरझा जाता है तुरंत, 4 से 6 महीने इसकी लाइफ रहती है, उसके बाद गाइस ये ख़त्म हो जाता है पौधा। तो ये भी आप यहाँ से आके ले जा सकते हैं, तो मतलब अभी कम है ना ये, नहीं है और ज़्यादा है, और भी है, अच्छा ठीक है। तो आप देख सकते हो गूलर की भी काफ़ी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है, और जितने भी प्लांट्स मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आप यहाँ पे आके इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस ये भी इसका जैसे पार्ट 1 है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नर्सरी है, यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम प्लांट्स मिल जाएंगे, बट गाइस ये है आपको वो वाली नर्सरी के अंदर जो प्लांट्स मिल नहीं होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, अगर यहाँ पर जो नहीं होंगे वो वहाँ मिल जाएंगे। ये है बगोनिया, बगोनिया, ये बगोनिया का प्लांट है गाइस, हाँ जी, ये जटरूपा, जटरूपा, हाँ। तो गाइस जटरूपा का भी प्लांट आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है, इसके ऊपर देखो लाल कलर का इस पर फूल आया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है गाइस, ये भी पौधा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे, मतलब आपके लिए बड़ा है,
तो गाइस ये बर्गर वही बर्गर जो बोलते हैं इसे। हाँ वो सारे पेड़ इसमें बड़े हैं। तो गाइस देखो ये सारे बड़े पेड़ आपको मतलब शिकायत है कि हमें थोड़े बड़े पौधे चाहिए, तो आपको यहाँ पर बरगद के बड़े पौधे भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से आके प्राप्त कर सकते हो। जैसे मंदिर वगैरह में लगाने हो या फिर रोड साइड आपको लगाने हो तो काफ़ी बहुत बड़ा पेड़ होता है गाइस ये, तो आप यहाँ से आके प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस आपको रात की रानी का पौधा भी यहाँ पर ईजिली मिल जाएगा, आप यहाँ पर आके प्राप्त कर सकते हैं। फ्लावर प्लांट रहता है ये, काफ़ी अच्छा रहता है, रात में खुशबू देता है, काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप यहाँ से आके प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस अजवाइन का प्लांट आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में प्लांट्स यहाँ से जाते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए या फिर जो इंडिविजुअल लोग आते हैं वो भी यहाँ से काफ़ी मात्रा में ले जाते हैं, तो आप यहाँ पे आके प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी बड़ी नर्सरी है ये, मतलब तीन पार्ट में बनी हुई है, इतनी बड़ी नर्सरी है ये घर के लिए। अच्छा। ये शो पीस के लिए आपको यहाँ पे इस तरह का जो वाइट पत्ते में दिख रहा है भी आपको मिल जाएगा, इंडोर प्लांट के पर्पज़ यूज़ कर सकते हो, गमले वगैरह में बाहर भी लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है और ज़मीन में भी ईजिली लग जाएगा। अगर आपके आसपास कोई गार्डन है या फिर घर में भी छोटा मोटा गार्डन है तो आप यहाँ से आके ईजिली प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है गाइस। कड़ी पत्ता है तो गाइस कड़ी पत्ते का पौधा भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आके आप कड़ी पत्ते का प्लांट भी प्राप्त कर सकते हो, तो आइए और यहाँ से प्लांट ले जाइए। तो गाइस आपको यहाँ पे बेल पत्र भी आप देख सकते हो ईजिली मिल जाएगा, यहाँ से आके आप बेल पत्र का पौधा भी प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी घर में यूज़ होता है, शिव शंकर जी में चढ़ता भी है, मतलब पूजा के पर्पज से भी यूज़ होता है। वैसे भी इसका जो फल होता है, जो बड़ा फल होता है, उसका जूस वगैरह लगा के लोग पीते हैं, जिसको बेल पत्र का वो बोलते हैं। तो ये आप यहाँ से आके प्राप्त कर सकते हैं। भी है तो मैं देख सकते हो शीशम का भी पौधा आपको मिल जाएगा, जैसे दरख्त वगैरह होता है तो वो भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर आके शीशम का पौधा भी प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। वो भी है वहाँ से गाड़ी भर गई लेमन ग्रास। तो ये सारी लेमन ग्रास है, मतलब ये मॉर्निंग में आप इसे इसका एक थोड़ा सा भी तोड़ के इसको आप पानी में उबाल के पीजिए, काफ़ी बेनिफिट रहता है। बाकी आप बेनिफिट देख सकते हो सामने आ रहे हैं, लेमन ग्रास का पौधा भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, तो आप ये और प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो गाइस मैंने आपको दो पार्ट तो दिखा दिए, ये है पार्ट थ्री आप देख सकते हो। तो आप चलते हैं एक बार ये वाली, इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका जो तीसरी नर्सरी है उसको भी एक बार कवर कर लेते हैं। ये गिलोय का पौधा है गाइस, यहाँ पर आके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इमली है, मतलब जहाँ पर अगर कम पड़ती है तो आप यहाँ से दे देते हो। तो गाइस देखो फाइकस की वैरायटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस देखने में, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे अशोक भी है, आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा, या फिर आपको मंदिर वगैरह के आगे भी ये देखने को मिल जाएंगे। इवन आप गाइस अगर आप घर के आगे भी लगा रहे हो तो वहाँ पे भी इजीली यहाँ पे लगा यहाँ से लेके जा सकते हो। तो गाइस गुलाब चेक मिलेगा, आपको गुलाब भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गाइस, लाल वाइट गुलाब भी आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लाल वाला भी मिल जाएगा, आप आके यहाँ पे आके गाइस प्राप्त कर सकते हो। कटहल है ये? हाँ ये कटहल है, पूरी पूरी बैच कटहल का ही है। तो गाइस ये पूरा बैच जो देख सकते हो आप, ये पूरा कटहल का है, तो कटहल का पौधा भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आप यहाँ से आके प्राप्त कर सकते हैं और लगा सकते हैं, तो यहाँ से आप चाहिए तो ले जा सकते हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर लाल कनेर का प्लांट भी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। बाकी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आपको लेने हैं मैंने काफ़ी वीडियो में शेयर किया हुआ, तो उसी तरह से सेम डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है इनका भी, आप यहाँ पे आइए। भले आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं है तब भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, बस एक फॉर्म साइन करना है आपको, और अगर आप किसी संस्था से हो तो आपको एक उनका लेटर हेड वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस हम लोग बैठे हैं अभी आनंद विहार जो नर्सरी है उनके ऑफिस में बैठे हैं। पहले मेरा नाम तो जसवंत सिंह है। क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल को कि वो पौधे इजीली ले जा सके? जो हमारे पास आएंगे हम उनके फार्म देंगे। आप फार्म देते हो? हाँ ठीक है, वो फार्म भर देंगे, उनको फार्म भर के हम पूछ लेंगे आपको कितने पौधे चाहिए, उनको हम फार्म भरवा के और पीछे लिखा के पौधों के नाम हम उनको ऐसे मेंटेन करते हैं। ऐसे 20 मांगते 20 भी देते हैं, हर प्रकार का आदमी आता है उसी प्रकार से पेड़ दे देते हैं, किसी को हम मना नहीं करते, किसी को मना नहीं करते। हाँ नहीं, हमारे DCF साहब आए थे मदन आदित्य मदन पात्रा जी, बहुत काम करा गए लोगों के लिए, बहुत काम करा गए, ऐसा DCF जिंदगी में नहीं आने का। और हम तो ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ से कोई नाराज लोग नहीं जाए। तीन आप देखभाल करते हो तीन नर्सरीज की? हाँ। तो सब में एक ही तरह के प्लांट है या फिर कुछ थोड़ा बहुत अलग है? अलग अलग है, थोड़ा बहुत अलग है, यहाँ पर नहीं है, तीनों बराबर पौधे हैं, मतलब तीनों में इक्वल पौधे रहते हैं। मतलब टाइम क्या रहता है? 10 बजे से 1 बजे तक। हाँ, 1 से 2 बजे तक लंच होता है। अच्छा, लंच के बाद भी 2 बजे से भी 4 बजे तक। ठीक है, नहीं हमारे ये स्टाफ शंकर लाल भाई है, अब तो फॉरेस्ट गार्ड बन गए ये। अच्छा, शुरू से यहीं पर हैं। अच्छा, जो भी शेर जाएगा नर्सरी के काम करने में इनको भी काफ़ी वो है। चलो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने मुझे और काफ़ी टाइम दिया। ठीक है सर, बस। तो भाई जो आप रास्ता देख रहे हो ये है आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आ रहा है, जो राइट हैंड साइड में वो पड़ेगा आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पड़ेगा ये गवर्नमेंट नर्सरी, राइट? सही बोल रहा हूँ?
ठीक है, तो आपको यहाँ से सीधा आना है और गाइस यहीं पे आपको मिलेंगी तीन नर्सरी में, बाकी जो ये फर्स्ट नर्सरी यहाँ पे पड़ती है ये पार्ट थ्री है, तो गाइस पे आप देख सकते हो उसमें कोई पार्ट नहीं, पार्ट वन है, ये ऑफिस है और इसके आगे आपको मैंने जो दिखाया था वो पार्ट टू था। इसी लाइन में गाइस आपको एक साथ तीन नर्सरी देखने को मिल जाएंगी, आप अंदर जाइए ऑफिस में, आपको मैंने दिखाई दिया आपसे जहाँ पर मैं सर से बात कर रहा था, फॉर्म लेना है, फॉर्म पे साइन वगैरह करके आप जो भी क्वांटिटी वगैरह चाहिए आप इजीली ले सकते हैं। तो ये थी हमारा आनंद विहार नर्सरी का टूर। बाकी गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लांट्स वगैरह वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमें इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको प्लांट्स की वैरायटी कैसी लगी बहुत मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस चलते हैं यहाँ से और मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखें गाइस, और प्लांट्स जरूर लगाएं।